36 की जगह पे 33 अरब, ये जहां तक मुझे याद है, यही है ना कुछ नंबर्स। ये पहली बार हुआ। अब ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर हम फैसला करें कि जी हम डेवलपमेंट बजट वही रखेंगे, तो हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। और हमारी कोशिश यही है कि हम बजट को हकीकत पे मबनी बनाए, जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, और जो हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिल रहा है उसके हिसाब से रखते हुए। तो हमने 24 अरब रुपए की कटौती की है अपने प्रोविंशियल एडीपी में या टोटल एडीपी में, और 26 अरब रुपए सिर्फ रखे गए हैं। 26 में से भी 21 अरब रुपए हमने प्रोविंशियल साइड पे नई स्कीम्स के लिए रखे, और क्योंकि हम नई स्कीम्स नहीं रख रहे हैं तो इस साल के लिए हमने ये फैसला किया काबीना ने कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में नॉर्मली हम 5 अरब रुपए नई स्कीम्स के लिए रखते हैं, क्योंकि प्रोविंशियल एडीपी में नई स्कीम्स नहीं रखी जा रही, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडीपी में 5 की जगह 10 अरब रुपए हमने इस साल रख दिए, ताकि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है नई हुकूमत के साथ, लोगों की एक्सपेक्टेशन है अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ, वो पूरी की जा सके और हम कम से कम छोटी स्कीम्स जो है लोगों की पूरी कर सके। अब मैं वो जो 21 अरब की स्कीम्स रखी हैं हमने, उनके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दे दूं। वो 2 या 3 कैटेगरी में फॉल होती हैं। एक स्कीम्स वो हैं जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनडीपी हो गई, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनके साथ जो भी स्कीम्स होती हैं वो पैसे देते हैं और फिर कुछ पैसे हमें भी उसी स्कीम में डालने होते हैं। तो वो जो भी 3 या 4 ऐसी स्कीम्स हैं, 5 ऐसी स्कीम्स हैं, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैंने कहा नहीं ये तो हमने पूरी करनी है, एक हमने वो डाली है।